हाय गाइस, ब्रांड की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साहो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की एंड छिछोरे के ओपनिंग डे कलेक्शन की। साहो 7 दिन के अंदर इसने हिंदुस्तान में धंधा किया अपने ओपनिंग वीकेंड में 116.23 करोड़ का, 116.23। दो तीन फालतू नहीं जोड़ रहा है 116 में, समझा करो बात को। 350 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म, 4 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई वर्ल्ड वाइड, जिसमें जो बिजनेस मैंने बताया हिंदी सर्किट में इंडिया के अंदर का बिजनेस है, विच मीन्स ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन ऑफ साहो 116 करोड़। अब ये प्रभास की तीसरी लगातार फिल्म हो गई जिसने 100 करोड़ का धंधा हिंदी वर्जन में इंडिया के अंदर किया बाहुबली सीरीज के बाद। तो भैया अब छिछोरे रिलीज हुई है, छिछोरे की ओपनिंग डे कलेक्शन है 7.25 करोड़ इन इंडिया, 1200 स्क्रीन्स पे लगी। इनको कोई सिंगल स्क्रीन तो मिली नहीं साहू की वजह से, मल्टी स्क्रीन्स पे लगी, अपनी औकात से ऊपर का धंधा कर गई है। और साहो 7वें 8वें दिन अपने 7.25 करोड़ के बजाय 6.5 करोड़ का धंधा किया है, मतलब कि वो अपने 8वें दिन भी इसके पहले दिन के बिजनेस के बिल्कुल बराबर खड़ी है। वर्ल्ड वाइड की तो बात मत कीजिए, उसमें तो प्रभास किंग है। बट व्हाट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ साहो, साहो इज लेट डाउन बाय अ वेरी वीक स्टोरी लाइन, साहो इज लेट डाउन बाय अ डायरेक्टर कॉल्ड सुजीत, जो SS राजामौली का 1% भी नहीं है। साहो इज लेट डाउन बाय ब्रेकिंग दैट एवरग्रीन जोड़ी ऑफ अनुष्का शेट्टी एंड प्रभास। श्रद्धा कपूर इज गॉर्जियस, इज क्यूटी पाई, कैन एक्ट, बट प्रभास और उनकी जोड़ी थोड़ी मिसमैच है। और मैंने जो कहा था साउथ का ये पहलवान ऋतिक या जॉन इब्राहिम के जॉनर की फिल्म कर पाएगा, टॉम क्रूज के जॉनर की फिल्म कर पाएगा, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ या वॉर की बात कर रहा हूँ या बैंग बैंग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भैया अब फैन फॉलोइंग क्या कहे इस सुपरस्टार की, साउथ सुपरस्टार की। बट आई एम क्लियर अबाउट दिस थिंग दैट दिस थिंग हैज समहाउ नॉट वर्क्ड। जो बाहुबली थी वो बाहुबली थी, जो SS राजामौली था वो SS राजामौली था, और जो प्रभास एक इंडियन गेटअप में होता है वो वेस्टर्नाइज्ड में नहीं होता। तो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स विच लेड टू डाउनफॉल ऑफ साहो, बट ओवरऑल साहो हैज रियली स्टूड वेल। 380 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, कर चुकी अपनी कलेक्शन के को पार कर चुकी, पर इसको भी 125 करोड़ और करना पड़ेगा सेफ बेट मानने के लिए। हिट तो अभी दूर की बात है, उसके लिए तो 600 करोड़ करना जरूरी है, विच जो पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि फिल्मों की भरमार आ रही है। नेक्स्ट वीक आयुष्मान खुराना और वो जो लड़की थी उसका नुसरत व्हाटएवर हर नेम इज बरूचाया, उनकी आ रही है ड्रीम गर्ल। देन 20 को अपना देओल का लोंडा आ रहा है, साथ में सोनम कपूर की फिल्म आ रही है द जोया फैक्टर। तो दे आर लॉट ऑफ मूवीज कमिंग, तो टाइम नहीं है। तो अब साहो की गेम बस इस हफ्ते और चलेगी, विच कैन गिव इट अनदर 70-80 करोड़ वर्ल्ड वाइड। तो इट विल बी अ सेफ बेट ओवरऑल, बट नॉट द काइंड ऑफ सुपर हिट वी एक्सपेक्टेड। एज फार एज छिछोरे इज कंसर्नड, आई एम स्टेइंग विद माई word that it won't do a business of more than 40 crore। 7.5 crore पहले दिन कर गई है, बट 3 दिन के बाद ये ख़त्म है। 20 crore 3 दिन में करेगी, 20-22 crore उसके बाद ख़त्म है फिल्म। रो पिट के 40 crore करेगी, 70 crore के बजट में बनी है। एक और फ्लॉप सुशांत सिंह राजपूत की, उनके जीवन में एक ही फिल्म चली है MS धोनी, वो मैंने तब भी कहा था अब भी कह रहा हूँ, द स्टोरी इज वो फिल्म धोनी ने चलाई थी, सुशांत सिंह जी नहीं नहीं, और दंगल सिर्फ एक आदमी ने चलाई थी जिसका नाम है आमिर खान। नितेश राणा का उसमें कोई लेना देना नहीं था, वो फैक्ट और प्रूव हो गया 3 साल बाद उन्होंने जो एक कचरा बना के पेश किया है। आपका होस्ट, आपका दोस्त, द नंबर 1 क्रिटिक, आई हैव टॉक्ड अबाउट साहो, people were waiting for me to talk about Saho. I was traveling, so I didn't have time for that. I was busy with other commitments, but this is my business prediction and short review of Saho, Chichore and brand.
द ओनली ग्रैंड थिंग अवेलेबल राइट नाउ इन यूनिवर्स। अपने इस होस्ट और दोस्त को दुआओं में याद रखना।